हाँ जी, मैं आपका टीचर अंगद चौहान। आप देख रहे हैं ऑप्टेक वीएफएक्स। इसमें आपको बताया जाएगा अडोबी एनिमेटर के बारे में, और ये आज का मेरा सेकेंड क्लास है। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि किस टूल का क्या यूज़ करते हैं और उसके शॉर्टकट्स। हाँ, शॉर्टकट्स आप अपना नोट डन करिएगा, क्योंकि शॉर्टकट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, पहला है मेरा सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल देखिए क्या होता है। मैं एक यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ, जैसे कि एक न्यू लेयर लिया और यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको सब सिलेक्शन टूल और एक सब सिलेक्शन टूल मिलेगा। ठीक है, तो सिलेक्शन टूल और सब सिलेक्शन टूल में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। ये इसकी शॉर्टकट की है वी, सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की वी, और सब सिलेक्शन टूल की ए। ओके, तो सिलेक्शन टूल हम देखते हैं। सिलेक्शन टूल आप किसी भी मतलब प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके इधर उधर ले जा सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन टूल का यही होता है, जहां भी आप ले जा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे कि सब सिलेक्शन टूल। सब सिलेक्शन टूल में देखिए, सब सिलेक्शन टूल में मैं इस शेप को चेंज कर सकता हूँ, इस शेप में कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ, देखिएगा। सब सिलेक्शन टूल जैसे आप यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे, देखिए आप दिखेगा, आपको दिखेगा कुछ ट्रांसफॉर्म करने के लिए। देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सब सिलेक्शन टूल यूज किए और यहाँ पे कुछ चेंजेस करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इस शेप में अगर आपको चेंज करना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से कुछ भी इसको बनाना हो आप बना सकते हैं। आप अगर इसको कुछ करो करना तो आल्ट के साथ क्लिक करिए, इसमें देखिए कुछ और नहीं, आल्ट के साथ फिर क्या मिल रहा है, आल्ट के साथ एकदम वाव नाइस। इस पर आल्ट क्लिक करिए, इस पर आल्ट क्लिक करके हम बहुत कुछ देख रहे हैं। आप ये सब सिलेक्शन टूल का यूज होता है, देखिए आप इसको कुछ भी कर सकते हो मेरे भाई। ये है सब सिलेक्शन टूल। ओके, तो आराम से एंटर करो और ये सब सिलेक्शन टूल देख रहा है। सब सिलेक्शन टूल का मतलब यही होता है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। इसकी शॉर्ट की ए लिखे। ओके, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। कंट्रोल जेड आपको पता ही होगा, आगे ये क्या, देखिए फ्री ट्रांसफॉर्म टूल और ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल। सेकंड, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में हम ये देखते हैं कि मतलब इसको ट्रांसफॉर्म करना है, इधर उधर मतलब ले जाना है, इसको कुछ कर्व सा घुमाना है। देखिए क्यू, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का इसकी भी शॉर्टकट की लिख लीजिए, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल क्यू, ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल एफ। ठीक है, तो मैं करता हूँ फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, इसको यहाँ सेलेक्ट किया। इसमें मैं चेंजेस कर सकता हूँ, कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के जरिए। इसको मैं यहाँ से रोटेट कर घुमा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ओके, तो इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, एंटर करता हूँ और इसमें आपको मैं अब बता रहा हूँ जैसे कि ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल। ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल का देखिए, मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ, अभी बताता हूँ। मैं लेता हूँ, ठीक। अब इसमें मैं ग्रेडियंट फिल करता हूँ, इसको मैं एक न्यू लेता हूँ और इसमें मैं ग्रेडियंट फिल करता हूँ। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे आप
ट्रांसफॉर्म करिए और यहाँ पे आइए और यहाँ से ग्रेडियंट लीजिए। ठीक है, ग्रेडियंट मैंने कलर ले लिया। ग्रेडियंट कलर ले लेने के बाद मैं अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या है कि अब ट्रांसफॉर्म टूल से बस इसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इधर उधर कुछ भी। अब इसमें जो है ये ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल, ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल क्या, ये जो ग्रेडियंट कलर है आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए दिख रहे हैं दोस्तों, ये ग्रेडियंट कलर को आप चेंज कर सकते हैं इधर उधर कुछ भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ग्रेडियंट कलर। ओके, अगला टॉपिक है मेरा नॉशो टूल, पॉलीगन टूल और शिफ्ट मैजिक टूल। मैजिक वर्ड होता है, मैजिक टूल आपने इसमें देखा होगा फोटोशॉप में, सेम फोटोशॉप का सारा ही टूल से आप अगर फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पढ़े हो तो आपको बखूबी इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ नॉशो टूल और मैजिक टूल। नॉशो टूल में देखिए क्या होता क्या है। नॉशो टूल में मैंने इस शेप को लिया, ठीक, अब मैं यहाँ पे एक शेप तैयार किया, यहाँ पे मैं एक शेप तैयार किया। ये कलर ले लिया, ये कलर ले लिया, ये कलर, ठीक। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आल्ट प्रेस करके जब इसको ड्रैग करेंगे तो एक कॉपी होता जाएगा। ठीक है, आल्ट प्रेस करके करेंगे ये होता जाएगा। मैं ऐसे कर लूंगा। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ लॉशो टूल, लॉशो टूल का यूज देखिए कैसे करते हैं। लॉशो टूल का यूज, ये भी सिलेक्शन के लिए काम आता है, सब सिलेक्शन काम करना है आपको सिलेक्शन वाइज, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको, 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 ठीक। अब इसको मेरे को इधर उधर करना, देखिए अब तो इसलिए इधर उधर, देखिए ये पार्ट रखा गया था तो छूट गया है, इसलिए इधर उधर, ठीक है। यही लॉशो टूल का यूज है, आपने फोटोशॉप में पढ़ा हुआ, आपको शायद इससे बेहतर उसमें मिलता है यूज करने के लिए। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको पॉलीगन टूल, पॉलीगन टूल का देखिए इसका शिफ्ट एल शॉर्ट की, शॉर्ट की आप देखते रहेगा यहाँ पे, शॉर्ट की सारा शो करेगा। पॉलीगन टूल का ऐसे यूज करते हैं, ऐसे हो गया, 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 ऐसे ऐसे इधर को इसको भी कर लीजिए आपकी ब्लेड से, तो इसको बैक जाना है तो बैक इस सेलेक्ट करें, ठीक है, डबल क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट हो गया। अब देखिए वही ऑलरेडी बच जाएगा जिसको जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, ठीक। ये है पॉलीगन नॉशो टूल का यूज, कंट्रोल जेड करते हैं। अब बताता हूँ आपको मैजिक टूल, मतलब मैजिक टूल जैसे कि किसी को डायरेक्टली मैच करना है, मैजिक टूल का यूज है ये, आपको शायद इससे बखूबी आपको मैजिक टूल एक कलर पिक करता है, आपको बाद में बता दिया जाएगा इसका है। क्योंकि कलर्स वलर्स अगर पिक करना है मैजिक टूल का, तो ये एक ही कलर को पिक करेगा, 100 कलर में आपको एक कलर ढूंढना है तो मैजिक टूल को ड्रैग करिए तो कैप्चर करके उसको निकाल देगा। ओके,
अब मैं आपको बताता हूँ, ब्रश्ट क्या है, ये क्या फ्रेश ब्रश्ट, इसका यूज हम कहीं कलर करने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसकी साइज, स्टेबलाइजर, कर्व जूमिंग, राउंडनेस, एंगल क्या होना चाहिए, सारा सब कुछ यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। आपसे आप चाहें तो यहाँ से आप पेंट्स ओनली ब्रश के मतलब उसके साइज चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं ब्रश के जो भी है। यह है फाइंड ब्रश टूल, तो आपको फाइंड ब्रश टूल का शॉर्ट के भी शिफ्ट हुए है। अभी हम बता रहा हूँ आपको, जैसे कि क्लासिक ब्रश टूल, क्लासिक ब्रश टूल में बहुत ठीक कुछ देखते हैं। क्लासिक ब्रश टूल जैसे इसका यूज किए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए आपको कई ब्रशेस मिल जाएंगे। स्मूथिंग, स्मूथनेस इसका इतना कर दीजिए और इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा, थोड़ा सा इसको बड़ी साइज करते हैं ब्रश की, ब्रश की साइज यहाँ से बड़ी होगी। ठीक है, स्मूथनेस ऐसा आप उसकी कम बेसिक मतलब ऑपेसिटी या जो भी बोलते हैं उसको, कलर्स को कम बेसिक आप कर सकते हो। आप यहाँ पे 100 भी रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मिलेगा इरेज, इरेज वाला इरेज टूल है, इरेजर टूल है जो बिठाने के काम आता है। आप यहाँ से इसको कंट्रोल ही करिए या ई करिए, ओनली वन ई प्रेस करिए, आप ब्रश इरेजर का काम लेके मिटा रहा है। ठीक है, यहाँ से आप इसकी साइज कम कर सकते हैं, मतलब ब्रश किस तरह के काम करे उसको भी आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, लेकिन मिटाने का काम कर रहा है। तो आपको पता है ये रेक्टेंगल मतलब शेप वगैरह जो लेना है आपको, यहाँ से शेप ले सकते हैं। लाइन टूल, कोई अगर लाइन आपको खींचनी हो तो लाइन टूल का यूज करते हैं। लाइन टूल की शॉर्ट की है एन, तो लाइन टूल जैसे यहाँ से आपको यहाँ से खींचना है, ऐसे यहाँ से खींच के फिर मिलाना है, फिर इसको यहाँ से लाना है। तो आप इस टूल का यूज बखूबी लाइन टूल का यूज कर सकते हैं, कोई लाइन खींचनी है सीधी सी। अगर देखिए, अगर ये हमारी लाइन टेढ़ी जा रही है तो आप अगर शिफ्ट के साथ खींचते हैं, देखिए शिफ्ट के साथ एकदम बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा जाएगा। ओके, पेन टूल, पेन टूल का मतलब होता है किसी चीज को बनाना या काटना हो तो पेन टूल का यूज करते हैं, क्योंकि पेन टूल ऐसे ऐसे तो इससे पेन टूल से आप शेप भी बना सकते हैं। बाकी आपका यहाँ तो मैं इस लेयर को करता हूँ डिलीट और अब इस लेयर को काम करता हूँ पेन टूल का। पेन टूल का ये होगा, ठीक है, तो मैंने एक शेप अच्छा सा तैयार कर, ठीक है, ये है पेंट, ऐड पेंट टू एंकर, एंकर एंकर मतलब कोई एंकरिंग ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं।
डिलीट एंकर पिन टूल, मतलब एंकर में जो डिलीट करना है आपको, तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। देखा है डिलीट हो रहा, डिलीट हो गया। एंड अब इसको मैं पेन टूल यूज कर लिया, ठीक है। अब इसमें मैंने स्ट्रोक दिया है, स्ट्रोक आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें ऐड करना है तो इसमें ऐड कर सकते हैं आप। ऐड हुआ है ना, देखिए यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड हो गया, ठीक। अगर इसी में आपको डिलीट करना है तो यहाँ पर जाइए, यहाँ पर डिलीट करिए, यहाँ पर डिलीट करिए, यहाँ पर डिलीट करिए, यहाँ पर डिलीट करिए। मैं करता हूँ, मैं खुद कंट्रोल जेड। आपको ये क्लास बोरिंग लग रही होगी, लेकिन अगर आप ये जानेंगे नहीं तो फिर इसमें काम नहीं कर पाएंगे और आपको मजा भी लगेगा, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन आपको ये जानना नीड्स है, ओके। तो अब बताता हूँ आपको टेक्स्ट के बारे में। टेक्स्ट, टेक्स्ट जो है कि कंट्रोल टी लोडिंग फाइल, जो कि फाइल सेव हो रही है, मैंने फाइल नहीं सेव किया था। आप कोई भी काम करिए तो फाइल सेव करके करिए, ओके। टेक्स्ट कुछ लिखना, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ OCTET octet VFX, octet VFX हो गया। तो आप यहाँ से इसको बड़ा करना है भैया, साइज देखिए क्यों इस तरह है, क्योंकि इस चीज को जब हम खींचेंगे ऑफसेट वीएफएक्स या एएनजी यदि अंदर सी या तो ये चे ए, ओके। ये फॉन्ट, क्या है फॉन्ट, ऐसे यूज कर सकते हैं आप। ये पिन बकेट टूल, पेंट बकेट टूल है, ठीक है। पेंट बकेट टूल में क्या होता है, जैसे मैंने मान लीजिए आपने एक न्यू लेयर लिया, इसमें कोई पेंट शो करना है, पेंट ऐसे नॉर्मली गिरा दो, हाँ ठीक है। कोई शेप आप ले लिए तो उसमें अगर पेंटिंग गिराना आपको तो, या सिलेक्शन कर लिया, मान लीजिए इतना मैंने इसको पीस है, इसको मैंने इतना सिलेक्शन में स्टेप में अगर कोई कलर से गिराने है तो आप यहाँ से जाइए डायरेक्ट, और यहाँ पे कलर पिक करें और बाल्टी का यूज करिए, तो यहाँ खाली, ओके। ये पेंट बकेट टूल, मतलब पेंट की जो बाल्टी होती है वो टूल्स होता है, ओके। करता हूँ कंट्रोल जेड, एक्सप्लेमेंडर टूल। तो एक्सप्लेमेंडर टूल मतलब होता है कि जो आप, अभी तो मेरे को शायद इसके बारे में नहीं पता, मतलब देखते हैं। और एक्सप्लेमेंडर टूल आपको आगे चल के बताया जाएगा। पिन टूल मतलब यहाँ पे होता है, ऐड सकते हो आपके यहाँ पिन लगा रहा है, पिन लगा दिए देखा, कोई मान लीजिए प्रोजेक्ट बना, ठीक है। अगर यहाँ पे पिन लगाना है तो काम करेगा, सिलेक्शन इससे हम क्या करते हैं कि एनिमेट कराते हैं, क्या करते हैं एनिमेट कराते हैं, कोई भी वस्तु बहुत अच्छा से एनिमेट कराते हैं, वो तो बाद में मालूम चलेगा आपको, ठीक है। हैंड टूल मतलब इसको हैंड इधर उधर ला सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की आप जरूर देख लीजिएगा, हैंड टूल का एच है, क्योंकि शॉर्टकट की रहेगा तो आपको यहाँ पे जाने की नीड्स नहीं है, आपको दिमाग में रहेगा तो आप स्पीड से काम कर सकेंगे, ओके। जूम है, जूम इन करने के लिए, या जूम इन हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जूम इन करता हूँ,
इसका स्केप होगा, स्केप। तो इतना आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो और आगे नेक्स्ट क्लास हम जल्दी आपके यहाँ लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप तो अगर ये क्लास मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें। थैंक यू।